वैसे स्ट्रीट लाइट को सही करना चाहिए, पता कि कितना पानी बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बस अंधेरा ही हो गया है। वो बाहर से लाइट मार रहे हैं वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत होगी और अभी लगभग 11 बज चुके हैं दिन के। सुबह सुबह हम उठे थे एज यूजुअल, परसों की तरह दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश होती जा रही और हिमाचल में हर जगह से बहुत बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो काफ़ी दुख भी है। लेकिन ऐसे समय में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, क्या ही कोई कर सकता है, अब ये बारिश थम जाए बस। लेकिन आज भी मौसम इतना ख़राब है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वीडियो शूट करें या व्लॉग बनाएं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि रोज़ वही बारिश का मौसम है। और क्या, फिलहाल के लिए अभी यही है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सब लोग सेफ रहें, घर पे रहें, घर से ना निकलें और ये सारी बातें हैं। बस वैसे सभी को पता ही है, मैं बार बार पता नहीं क्यों बोल रही लेकिन फिर भी बोल रही हूँ। तो बस अभी फिलहाल यही, और मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। इतना ख़राब मौसम, कि कहना ही क्या मौसम का। और बाहर जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो पीछे कंबल में सोया हुआ है अनुराग, क्योंकि सुबह ही लाइट चली गई थी और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चली जाती है कभी भी आ जाती है। तो मतलब सुबह ही लाइट चली गई थी और बस जैसे ही लाइट गई तो अनुराग और मैं दोनों कंबल में घुस गए। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मतलब कंबल अच्छी लग रही है कि हम ब्लैंकेट लेके सोएं, तो फिर हम कंबल में घुस गए थे। दोनों को नींद आ गई थी लेकिन फिर मुझे जाग आ गई बाद में, मैंने देखा कि लाइट आ गई थी तो मैं उठ गई, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम निपटा लेते, सुबह सुबह सो के भी क्या करेंगे। तो अनुराग तो सो गया है, मैंने सोचा कि सोने देती हूँ, जब ये उठेगा फिर उसके बाद होमवर्क वगैरह करेंगे हम। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, चलिए चलते हैं। बाहर का मौसम, आसमान में बादल ही बादल, बारिश कंटिन्यू होती जा रही है और ये रहा सतलुज का नज़ारा, ये हमारे घर से इतना ज़्यादा पानी सतलुज में बाप रे। मम्मा जी, पापा जी, आज के दिन तो सोने और जागने का ही काम चला है आपका, है ना? मेरा नहीं, नहीं पापा का नहीं, मम्मी का। पापा तो काम करके आए, लाइट तो है नहीं, मतलब लाइट है लेकिन सिग्नल तो है नहीं, क्या कर रहे हैं? तो फिर कैरम खेले क्या? कैरम बोर्ड आप खेलते हैं? आप भी खेलेंगे? तीनों खेलेंगे, मैं तो ऐसे भी हार नहीं है पता ही है। पापा जी तीनों खेलेंगे ना, पहली हार ना बोलेंगे तो हार ही जाएंगे। ना आप दोनों तो प्रो खेलेंगे, मैं क्या खेलूं? मेरे को कौन सा ढंग से खेल लो ना, आप भी खेलेंगे? चलो चलो, मम्मी भी खेलेंगे, मम्मी हाँ जी आप भी खेल रहे हैं, खेलेंगे खेलो बच्चे के लिए। ये हो चुकी है गेम शुरू यहाँ पे, अनुराग और इसके पापा की गेम शुरू हो गया और हम हैं दर्शक, कौन जीता अनुराग? पापा। पापा जीते? आप आ गए, आप तो जीत रहे थे पहले। मैंने छोटे पापा को जीतने देता हूँ। अच्छा, पापा हार जाते हैं? पापा से हार जाता हूँ, पापा को जीतने देता हूँ। अब क्या कर रहे? अब लूडो खेलेंगे। और क्या क्या कर रहे? लूडो खेलेंगे। अभी अनुराग गेम खेल के हटा है, लूडो खेलनी है आपको। आपने भी खेलनी है तभी लूडो खेलेंगे हम। पे तो है ही ना, क्या हम पे तो है ही ना, सच्ची नहीं है लूडो है ही नहीं। तो फ्रेंड्स अभी बज गए शाम के, कितने बज गए? 4:30 हो गए शायद, है ना? 5 बज रहे? नहीं 5 तो नहीं बजे अभी, हाँ 5 बजने वाले हैं। और बस कैरम बोर्ड खेल लिया, लूडो खेल लिया, सांसीढ़ी खेल लिया, फिर भी बोर हो जा रहे क्योंकि आज लाइट ही नहीं, लाइट तो है लेकिन नेट ही नहीं चल रहा है आज, और पता नहीं अब क्या करें। बारिश कंटिन्यू होती जा रही है अब हम निकले हैं बाहर, ऐसे ही बालकनी से देख रहे हैं बाहर का व्यू, और वो देखो नीचे सतलुज नदी है, पानी देखो कितना ज़्यादा है अभी यहाँ से दिख रहा है, बस यही नज़ारा देख रहे हैं। घूम से बाहर निकलते हैं तो सीधे दिखती है सतलुज नदी और इतना सारा पानी है इसमें और बारिश हो रही है। अब चलते हैं टेरिस पे, देखते हैं कहीं टेरिस पे आउटलेट्स बंद तो नहीं हुए होंगे, और तो कुछ काम है ही नहीं हमें। आप क्यों आए जल्दी? मक्खी ना मक्खी, बाजार भी पूरा खाली है, मार्केट में भी कुछ भी लोग नहीं है क्योंकि एक तो रोड्स भी बंद है और ऊपर से ऐसी बारिश में घर से कोई निकलता नहीं है, इसलिए अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। फ्रेंड टेरिस पे तो बिल्कुल
चकाचक सफाई हो चुकी है बिल्कुल। और वो रही रू भी अपने घर के अंदर बैठी है मजे से। ये देखो आसपास का व्यू, और वो नदी के ऊपर देखो कितनी सारी फॉग ही फॉग है। साफ साफ मौसम है चारों ओर, बस यही है आजकल तो कुछ भी नहीं है, घर से ना निकलो ना। क्या करे आज, वो बनाए कि चालू के पत्ते खाने अनुराग, शिंगड़ मिंगी पतीड़ खाने तो शिंगड़ मिंगी। अब बड़े हो गया, अब पतीड़ हो गया ना, अब शिंगड़ मिंगी नहीं है। तो चलो फिर कोई बनाते हैं आज, और क्या कर रहे कुछ तो बनाए। अब नीचे से पकड़ना, तोड़ना मत ऊपर। हाँ सब्जी बनाएंगे, कीचड़ कीचड़ हो गया खेत में, तो पूरा कीचड़ है, मुझे नहाना पड़ेगा। लो पकड़ो पत्ते। तो फ्रेंड्स ये कचालू के पत्ते हमने ले आए हैं खेत से तोड़ के, और ये मसाला भी बना दिया है। ये देखो इस बार मैंने खाली बेसन का मसाला बनाया है, और बार मैंने तो मक्की का आटा भी डालती हूँ, लेकिन इस बार कुछ भी मक्की का आटा वगैरह कुछ नहीं डाला है, और बेसन डाला है। खटाई के लिए आम डाला है मैंने एक इसमें, और साथ ही साथ बाकी मसाले जो भी हम डालते हैं वो सारे डाले हैं। और ये आ गए हमारे कचालू के पत्ते सारे, इस पर रख दो, और इस पे रखेंगे हम, इसमें रख के बनाएंगे हम यहाँ पे इस पे। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स पत्तों को अच्छे से धो लिया है हमने, और अब हम इसमें लगाएंगे ऐसे ऐसे। वैसे तो सभी को आता ही है बनाना, पर चलो फिर भी हम बता रहे हैं। ये देखो पक चुके हैं, अभी इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये बिल्कुल पक चुके हैं। मैंने इनको चेक कर लिया है, मैं इनको ठंडा होने के लिए मैंने इससे अलग कर दिया है, क्योंकि इसमें पानी है और ये भाप से ना गर्म ही रहेंगे, इसलिए मैंने इनको अलग करके रख दिया है। और अभी ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तो फिर हम फ्रीजर में रखेंगे, फ्रीजर नहीं फ्रिज में रखेंगे इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए, और उसके बाद तलेंगे हम इनको। फ्रेंड्स अभी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं आज, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं चल रहा है, ना ही हमारा वाईफाई चल रहा है, ना ही मेरे फ़ोन में नेटवर्क चल रहा है, तो बस ऐसे ही बोर हो रहे हैं। और अभी पतीड़ तो हमने बना लिया, लेकिन हम आए थे बाहर और सामने भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई है, लैंडस्लाइड हुई थी, एक खंभा गिरा था और उसमें लाइट जल रही थी, लेकिन अभी लाइट तो बंद हो गई है। मम्मी को खंभा ही नहीं दिख रहा था, मम्मी बोल रहे थे लाइट ही है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ और ही है। हाँ वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको, पता नहीं दिखेगा यार। ये देखो ये हुआ है यहाँ पे लैंडस्लाइड, और थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे लाइट जल रही थी, सतलुज नदी का रौद्र रूप आज भी जा रही है। ड्रामे देखो जरा ऊपर चढ़ ड्रामे कर रहा, और कितना भी क्या है, टाइम पास ऐसे ही नहीं होगा, बोर हो गया आज तो बिल्कुल। एयरटेल वालों कुछ करो, तुम्हारा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, ना ही मेरे फोन में 500 रुपये डालने का, और वाईफाई का क्या फायदा। ये देखो पुल पे कितने सारे लोग हैं, नेट खत्म नहीं हुआ, नेट चल ही नहीं रहा, जियो वालों का नेट खत्म हो गया, एयरटेल वालों का तो चल। कितने सारे लोग आए हुए हैं नदी का नज़ारा देखने के लिए। सुन तो लो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मेरी बात बोलो। मैं अपने पापा जी के लिए कंपनी दे रहा था, कंपनी दे रहा था, कौन सी कंपनी, कंपनी नहीं देनी होती पापा, पता नहीं किसका नेट यूज कर रहे थे ये बाहर बैठ बैठ के बेचारा कैच हो रहा था वो थोड़ा सा ना। तो जी फ्रेंड्स हो गए शाम, और ये काट दिए हमने अपने पतीड़, और अब तलेंगे हम इनको फटाफट से। ये देखो यहाँ पे तल रहे हैं ना, फिर खाएंगे मजेदार पतीड़ और सोएंगे, और रात भर आधी आधी नींद में सोएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है पूरी रात, फिर डर लगेगा, पता नहीं कब कहाँ क्या होगा, इंटरनेट तो है नहीं हमारे पास, हमको वो बिग बॉस देखना था, इंटरनेट ही नहीं है,
कुछ और करना था, इंटरनेट ही नहीं है, क्या करें फिर? कुछ भी नहीं करना, फिर सोना ही है, और क्या करना है, सोना ही है फिर। क्यों जी, क्या बोलते आप? आप तो आज भी, आप भी जल्दी आए कि भाई चल इंटरनेट होगा, घर में थोड़ा मजे करूंगा। पूरा दिन इतना बोर हो गया ना, इतना बोर मैं जिंदगी में कभी नहीं हुई। तो ये देखो कितने हम लोग ना आलसी हो गए हैं, वैसे इंटरनेट नहीं है तो बोर हो गए। ऐसे नहीं कि कुछ और काम करें, मोबाइल की आदत पाल ली है ना, गंदी आदत है ये, 4-6 दिन इंटरनेट ना फ्रेंड्स। बस आज तो पुल के ऊपर भी रोशनी नहीं है बिल्कुल भी, देखो वो नीचे देखो अंधेरा ही है, क्योंकि उधर पोल गिर गया है, एक खम्बा गिर गया है, जिसकी वजह से सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी है और पुल की लाइट भी बंद हो गई है। तो बस अब ये क्या है, आज तो घर से बाहर निकलो ना, बाहर इतनी आवाज़ें हैं। वैसे स्ट्रीट लाइट तो सही करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही इतना डर है और पुल के ऊपर लाइट नहीं है तो और ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ से। नहीं तो दिख जाता था कि कितना पानी बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बस अंधेरा ही हो गया है पूरा, और बस यही कुछ चल रहा है, बस बारिश, लाइट बारिश। मार रहे हैं वहाँ से, वो बाहर से लाइट मार रहे हैं, वो उधर से होटल पानी चेक कर रहे हैं, वो कितना है सतलुज नदी में, वो देखो। हाँ, क्योंकि वहाँ से दिख नहीं रहा है ना। तो ये अभी हमने वीडियो बनाई थी कि पुल के ऊपर लाइट नहीं जल रही है, लेकिन अब जल रही है, ये देखो अब जल गई है लाइट, हम पनौती है इसका स्ट्रीट मतलब। लाइट जल गई है तो इससे हम काफी ज्यादा खुश हो गए हैं कि अब कम से कम हम यहाँ से देख तो पा रहे हैं कि कितना पानी है और कितना कम से कम यहाँ से देख तो पा रहे हैं कि हमारी मौत कितने करीब है हमारे से, बेवकूफ कहीं का, पानी कितना है और कितना नहीं है। अदरवाइज ना अंधेरा ही था पूरा और बहुत डर लग रहा था हमें। थैंक यू हमारी बात सुनने के लिए, हमें नहीं आपको। बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।